तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि रात में हम किसी और होटल में थे और सुबह होते ही किसी और होटल में आ गए। तो आपने वो चुटकी का कमाल देखा, हमने तीन चार होटल्स देखे और उनमें से हमने ये होटल जो है सन पार्क होटल वो हमने बुक किया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं, एक ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको रूम का, क्या व्यू है तो आपको देख के बड़ा मज़ा सा आएगा। ये एक कॉरिडोर है, राजन भाई यहाँ पर लगे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पर है ये हमारा रूम, ये हमारा वॉशरूम है और यहाँ हमने कुछ सामान वामान रखे हुए हैं, कबर्ड है यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये होटल का जो सबसे जो बेस्ट पार्ट है ये छत वाली बेड मिली है हमें, जो कि अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि अभी तक कभी भी किसी होटल में हमें छत वाले बेड तो नहीं मिले थे। तो बहुत बहुत सही सा रूम है, अच्छा सा आपको देखने में भी लग रहा होगा। अगर आपको होटल का की बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। और हमें टू वे व्यू मिला हुआ है, एक तो व्यू आपको ये दिखेगा जो कि सामने पहाड़ है जो कि बहुत बेहतरीन है, और सेम अगर आप सामने अगर बेड से अगर आप उठते हैं तो सामने का भी व्यू आपको बहुत बेहतरीन दिखता है। ये देखें तो नज़ारे आपको पूरे देखने मिलेंगे। तो ये होटल हमें लगभग 1500 के आसपास पड़ा है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है इस टाइम पे, और एक अच्छा होटल लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जिस होटल में हम थे वो हमें उतना ज़्यादा हाइजेनिक लगा नहीं, इसलिए हमने वो था और हम यहाँ आ गए। तो चलते हैं और आपको बाहर घुमाता हूँ। आज हम लोकल साइट सीन कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, तो लोकल साइट सीन में हम फर्स्ट हिडिम्बा टेम्पल करेंगे और फिर जो भी हमें नियर बाई चीज़ें लगेगी वो चीज़ें हम कवर करेंगे। पब्लिक प्लेस पर अभी आए हुए हैं और इसलिए मास्क का यूज़ कर रहे हैं और सैनिटाइज़र वगैरह लिया हुआ है। तो आज डे टू है और आपने देखा कि जो होटल जो हमने कल रात में जहां पर लिया था वहां से अब हमने दूसरे होटल में हम शिफ्ट कर चुके हैं। वो इसलिए किया क्योंकि वो होटल में हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, समझ लिए हमने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट होटल है मनाली का, अब हम वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, तो वो आपने देख ही लिया। तो अभी मैं आया हुआ हूँ हिडिम्बा टेम्पल, जो कि बिल्कुल लोकल है यहाँ का, और कोई भी अगर आता है तो हिडिम्बा टेम्पल एक बार विज़िट करने के लिए ज़रूर आता है। ये तो मेरा लगभग चौथा या पांचवा विज़िट होगा हिडिम्बा टेम्पल का, पहले भी कई बार मनाली आया हूँ और हिडिम्बा टेम्पल विज़िट किया हूँ। तो आपको एक विज़िट दिखाता हूँ हिडिम्बा टेम्पल का। आने के दो रास्ते हैं, आप अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, और दूसरा आप अगर रास्ता लेते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस से भी आप आ सकते हैं। ये देखिए वो जो आप रूट देख रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस से आप आराम से हिडिम्बा टेम्पल तक आ सकते हैं। तो हम होटल से आए थे तो सोचा कि चलो हिडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं तो गाड़ी से चलते हैं और उसके बाद एक दो जगह और विज़िट कर लेंगे, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि हिडिम्बा टेम्पल चलते हैं और कार से, इसलिए हम आ चुके हैं। तो चलिए आपको हिडिम्बा टेम्पल के दर्शन कराते हैं।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि मनाली के विजिट पर हैं, लोकल विजिट पे, और उसमें से जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा, वो है हिडिम्बा देवी टेंपल, और हम वहाँ आए हुए हैं। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको बड़े बड़े चीड़ के पेड़ दिखेंगे, जिसके बीच में आपको एक बहुत ही सुंदर सा टेंपल दिखेगा जो है हिडिम्बा देवी टेंपल। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा। कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि जो इनका एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है जो कि मई में होता है। जो लास्ट टाइम मैं जब मई में आया था तब ये फेस्टिवल मैंने देखा था। तो 3 दिनों का कुछ फेस्टिवल होता है और अच्छा खासा क्राउड होता है, पूरा जो ये एरिया है पूरा लोगों से पैक्ड रहता है। कोरोना के कारण अभी बिल्कुल भी ये जगह बिल्कुल खाली है, हार्डली 10-50 लोग यहाँ पर हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं वो यहाँ पर आके मत्था ज़रूर टेकते हैं। तो तब भी अगर आप कभी आएंगे तो देखेंगे कि ढोल ताशे बजते हुए कोई ना कोई ग्रुप यहाँ आता रहता है और मत्था टेकता रहता है। तो बहुत ही अच्छा और रिलैक्स करने का ये डेस्टिनेशन है। तो आप कभी भी मनाली आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, हिडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार डेस्टिनेशन है। हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर क्लिक किए हैं जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो एक ओवरऑल लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत रिलैक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो गाइज़, आपने मॉर्निंग में जो था वो हमने हिडिम्बा देवी टेम्पल कवर किया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो इसलिए हमने कोशिश किया कि हम वापस होटल आ जाएं। तो आज के लिए जो होटल रहने वाला है वो होने वाला है ये सन पार्क होटल। इसके बाद अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं माल रोड के लिए, और फिर वहाँ जाएंगे और फिर वो आसपास का जो एरिया है वो विज़िट करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर माल रोड में अभी है जो आप देखने लायक है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम जा रहे हैं मॉल रोड, और देखते हैं कैसा क्राउड है या नहीं है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो अभी फ़िलहाल गाइज पार्किंग ढूंढ रहे हैं। मॉल रोड पर भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट लोग अब आना स्टार्ट हो चुके हैं, लोग आ रहे हैं अब, बट ज़्यादा क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस एक बार ढूंढ लूँ पार्किंग कहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि माल रोड में पार्किंग की ही सबसे बड़ी टेंशन है। क्योंकि अगर आप आते हैं तो पार्किंग आपको कहाँ मिलेगी थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं मास्क लगा लेता हूँ, क्या पता कहीं चलान ही ना कट जाए अकेले ड्राइविंग पे भी। तब तक ये देखिए कि माल रोड के बाहर का सीन है। तो गाइस कार पार्क कर दिया है, तो अभी जा रहा हूँ माल रोड की तरफ, और वहाँ पर बाइक्स के रेट मालूम कर रहे हैं रेंट के लिए, और ऑलमोस्ट 800 से लेके 1500 तक का अलग अलग रेट आपको मिल जाता है। तो आपको बार्गेन करना पड़ता है, और आपको कोई जो भी बाइक चाहिए, हमें हिमालयन चाहिए इसलिए हिमालयन के लिए हम देख रहे हैं। तो वही लगभग 1200 रुपये के आसपास रेट मिल रहा है हमें। तो HDM ऑफिस जाके पास ले लेंगे, कोशिश करेंगे कि बाइक आज ही मिल जाए, तभी हम रोहतांग पास के लिए कल जा सकते हैं। राजन आगे जा रहा है तो एक बार पता कर लेते हैं कि क्या मिलता है, उसके बाद आपसे अपडेट करूंगा। तो चलिए चलते हैं माल रोड। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, ये SDM ऑफिस है मनाली का। तो अगर आप रोहतांग पास क्रॉस करना है तो आपको पास यहीं से मिलता है। जब भी आप रोहतांग पास या रोहतांग पास से अगर आपको आगे जाना है गुलाबा पर, इसका डॉक्यूमेंट जो होता है वो चेक होता है, तो आप यहां से आके SDM पास ले सकते हैं। करीबन 500 रुपये का चार्जेस है, डिटेल में बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलता हूँ SDM ऑफिस। तो राजन भाई आ गए SDM ऑफिस से, क्या लाए? पास बनवा के लाया हूँ भाई साहब। कितने भाग भाग के बनवाया? 500 रुपये लगे। पूरी बात बता, नॉलेज दे अच्छे से बंदे को। देखो ऐसा है, अगर आप लोग रोहतांग पास जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए परमिट बनवाना पड़ेगा रोहतांग पास जाने के लिए। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर व्हीकल यहाँ से रेंट पे लेते हो तो व्हीकल की RC, उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो, और साथ में और क्या दिया था देखता हूँ, एक डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप पे किए थे एक्चुअल में उन्होंने, देख लो भाई। हाँ, RC, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा SDM ऑफिस में। तो 500 रुपये चार्जेस लेते हैं और आपको ऐसा पास बना के दे देंगे।
तो टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए भाग भाग के बनवा के आए हैं। बाकी ये प्लान है कि कल हम बाइक लेके रेंट पे जा रहे हैं रोहतांग पास। सुबह कितने बजे खुलते हैं एसडीएम ऑफिस? 9:30 बजे खुल जाता है गाइस और 5 बजे बंद हो जाता है। तो उस बीच में ही आइएगा आप। अगर उस बीच में वो तो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, और नहीं बना तो बंदा नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। पहले इस पास के बिना गाइस कोई नहीं जा पाएगा रोहतांग पास। गुलाबा कैसे खुलता है? हाँ जी, तो फाइनली एक बहुत बड़ा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि रोहतांग पास का जो परमिट है वो मिलना बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं मिलता तो हम जा नहीं पाते और एक दिन और लेट होता हमें। तो राजन ने जो आपने जैसा वीडियो में देखा अभी, इसने वो पास अरेंज कर लिया। अभी आप टाइम देख सकते हैं, 5 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट बाकी है बस। और अभी बस बैठ के चाय के मज़े लिए जा रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं और आपको माल रोड दिखाते हैं। क्राउड बिल्कुल भी नहीं है कोविड के कारण। जैसे खुला, ये फर्स्ट वीक है विदाउट कोविड टेस्ट के, तो माल रोड आपको दिखाता हूँ कैसा है। शाम के अभी 5 बज रहे हैं और बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, और हार्डली एक दो शॉप पर लोग दिख रहे हैं, और सही है इस तरह के। नहीं तो जनरली माल रोड पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है, बिल्कुल चलने की जगह तक नहीं बचती, आप एक फ़ोटो तक क्लिक नहीं करा सकते। बट यहाँ पर अभी काफ़ी रिलैक्स मज़ा है। अगर आप मनाली आते हैं तो आपको खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। अगर आप लोकल मार्केट में विज़िट करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाइनीज़ या फिर थाई फूड्स वगैरह। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक लोकल मार्केट है राजू लांबा का, जहाँ पर हम अभी आए हुए हैं। लांबा, ठीक है। तो यहाँ पर मोमोज़ बहुत फेमस है, मतलब ये मोमोज़ आते ही तुरंत सेल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर आके वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने मोमोज़ तो ट्राई नहीं किया, बट हम ट्राई कर रहे हैं थुब्बा, जो कि दिल्ली में भी अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, नॉर्मल है वो, और लाइट होता है, डिलीशियस होता है, बहुत सारा ग्रेवी होता है उसमें, और वेज भी मिलता है, नॉन वेज मिलता है। नॉन वेज में भी कई सारे आइटम्स होते हैं उसमें, चिकन मोमोज मिल जाते हैं, चिकन के आइटम्स भी उसमें होते हैं, चिकन भी मिलते हैं और मटन के भी मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी फूड की तरह जाना जाता है। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता है, मज़ेदार होता है। एक बार आता है फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आके वो देखने में लगता कैसा है। गाइज़ आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये माल रोड है, और माल रोड में क्राउड अभी बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 40% जो शॉप्स हैं वही खुले हैं, और मैक्सिमम शॉप्स अभी भी बंद हैं, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बस व्हीकल वगैरह जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका अगर अपनी गाड़ी है तब आप आ सकते हैं, नहीं तो क्राउड तो बिल्कुल ज़ीरो है आप, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर चलने की भी जगह बिल्कुल नहीं बचती थी माल रोड पर। और अभी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो शॉप्स वगैरह हैं वो क्लोज़ हैं, हार्डली कोई शॉप्स हैं जो कि ओपन है यहाँ पे। तो चाय वगैरह पी लिया है, कल की प्लानिंग कुछ और है, तो वो आपसे शेयर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाते हुए लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और राजन मेरे साथ है, और फिर हम कल एक नया डे फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे एक नया वीडियो जो कि बिल्कुल फ्रेश होने वाला और बहुत ही अच्छा होने वाला है। कल का वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ एडवेंचर टाइप होने वाला है कल की वीडियो में, तो बने रहिएगा चैनल पे।
चलते हो। ठीक है, फिर राजन का जो वीडियो है उसके चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।